जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक आपको पता है आपने क्या क्या किया? आपने बहुत सारे काम किए होंगे, आपने बहुत कुछ चाहा होगा, बहुत कुछ खोजा होगा, आप बहुत सारा धन खोजने के परिश्रम में लगे रहे और जाने कितने दिन से धन खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक धन से तृप्ति हुई नहीं। और कितना भी धन खोजते रहे, धन से तृप्ति नहीं हो सकती है। कब तक? कुछ भी आप खोज रहे हो, कोई पद खोज रहा है, बड़ा पद मिल जाए, लेकिन कितने भी पद मिलते जाते हैं, बड़ा से भी बड़ा पद मिल जाता है, उससे तृप्ति नहीं होती। आप पावर खोजते हैं, पावर मिल जाए, कुछ पावर मिल जाती है, फिर और बड़ी पावर चाहिए, फिर और बड़ी पावर चाहिए, फिर और बड़ी पावर चाहिए, लेकिन उसका अंत नहीं। आप प्रेम खोजते हैं, वो भी अभी तक मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया। शांति खोजते हैं, वो भी अभी तक पूरी नहीं होती दिखाई दी। जो कुछ भी आप खोजते हैं उसके आगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और आपको पता है ये और की चाह क्या है? कुछ भी खोजने में बुरा नहीं है। आप धन खोजते हैं, धन खोजने में कोई बुराई नहीं। आप पद खोजते हैं, पद खोजने में कोई बुराई नहीं। आप प्रतिष्ठा खोजते हैं, प्रतिष्ठा खोजने में कोई बुराई नहीं। आप प्रेम खोजते हैं, प्रेम खोजने में भी कोई बुराई नहीं। क्यों? क्योंकि चाहे धन की चाह हो, चाहे पद की चाह हो, चाहे प्रतिष्ठा की चाह हो, चाहे प्रेम की चाह हो, हर चाह अंततः परमात्मा की खोज है। इसीलिए आपको तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी, कितना भी धन मिल जाए, कितना भी पद मिल जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए, कितना भी प्रेम मिल जाए, जब तक कि परमात्मा नहीं मिल जाता है। हर चीज की इच्छा तब तक पूरी नहीं होगी, तब तक परिपूर्णता पर नहीं पहुंचेगी, जब तक तुम्हें परमात्मा परम आनंद के रूप में नहीं उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए अध्यात्म मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आयाम है। यह वो विज्ञान है जिसके माध्यम से आप धन की चाह भी पूरी कर लेते हैं, पद की चाह भी पूरी कर लेते हैं, प्रतिष्ठा की चाह भी पूरी कर लेते हैं, प्रेम की चाह पूरी कर लेते हैं। अध्यात्म आपके जीवन का वो आयाम है जिसमें आपकी गति हो जाए, जिसमें आप सक्रिय हो जाए, तो निश्चित रूप से अंततः हर चाह का अंत आ जाता है। क्योंकि जब परम आनंद के रूप में, शाश्वत आनंद के रूप में परमात्मा का अनुभव आपको उपलब्ध हो जाता है, आत्मज्ञान का सार आपको उपलब्ध हो जाता है, आत्मा का स्वयं का आनंद आपको उपलब्ध हो जाता है, तब धन पद प्रतिष्ठा उस संपदा के सामने सब फीके पड़ जाते हैं।